Hey guys, welcome or welcome back to my channel, Aviksha. Hope you all are doing great. कैसे हैं आप लोग? I just hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जिमी चू साड़ी का कलेक्शन. थोड़ा पीछे हो जाऊँ सो दैट आप मेरे जो है बैंगल्स देख लो, बिकॉज मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं. आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा. एंड इस साड़ी का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा. तो आज मैं आपके साथ अपनी जिमी चू साड़ियों का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ. मेरे पास 6 जिमी चू साड़ियाँ हैं टोटल, ठीक है? तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ. अगर आप परचेज करना चाहो, क्या मतलब इसके फ्लॉज हैं और क्या नहीं है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ. तो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल प्रोडक्ट जो कि मैंने रिसेंटली यूज करना शुरू किया है. मैं ना बहुत दिनों से देख रही थी इंस्टाग्राम पे ना जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो और भी यूट्यूबर्स हैं वो ना एयर रैप यूज कर रहे हैं. तो मैंने भी चेक किया, लेकिन एयर रैप का प्राइस इतना ज्यादा था तो मैंने कहा यार ये तो नहीं ले सकते. तो मुझे उसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल गया जो कि है अगारो इम्पीरियल 6-in-1 हेयर स्टाइलर, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये एयर रैप के जैसे ही काम करता है. एंड सबसे बेस्ट चीज है कि ये आपके बजट में है. तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स मिलती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और उसको यूज कैसे करते हैं. इम्पीरियल 6-in-1 हेयर स्टाइलर 1200 वॉट ब्रशलेस मोटर के साथ आता है. स्कॉर्पियम काफी ज्यादा हाई होता है, इस तरीके से इसकी बॉडी होती है. सबसे पहले आपको ये ट्रेडिशनल हेयर ड्राइंग नोजल मिलती है जिससे आप गीले बालों को ड्राई कर सकते हैं. इसके बाद ये कॉम्बिंग ब्रश है, इसको लगाकर अपने बालों को आप ड्राई भी कर सकते हैं और कॉम्ब भी कर सकते हैं. इसके बाद ये स्मूदनिंग ब्रश है जिससे आपके बालों को स्मूथ स्लीक लुक आता है और जो फ्लाईवेज होते हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं. इसके बाद ये वॉल्यूमाइजर का अटैचमेंट है जो कि आपके बालों को ड्राई करने के साथ साथ उसमें वॉल्यूम भी एड करता है. एंड इसके बाद आती है 2-directional एयर रैप नोजल जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होती है, आपके बालों को एयर रैप यानी कि कर्ल करने में ये काम आती है. इसके बाद ये इसकी जो बॉडी होती है आप देख सकते हैं, इसमें पीछे यहाँ पर फिल्टर लगा होता है जिसको आप क्लीन भी कर सकते हैं. यहाँ पर लॉक और अनलॉक का बटन है. जब भी आप कोई भी अटैचमेंट लगाते हो तो ये अपने आप लॉक हो जाता है. एंड यहाँ पर ये 3 बटन है, एक पावर वाला है जो राउंड वाला है, इसके बाद यहाँ पर हीट और स्पीड सबकी सेटिंग्स के यहाँ पर बटन है. इसके बाद इसकी जो कॉर्ड होती है 360 डिग्री स्विवल होती है. इसके बाद आप देख सकते हो सबसे पहला मैं अटैचमेंट यूज कर रही हूँ जो कि है इसका ट्रेडिशनल ड्राइंग नोजल. एंड इसकी कॉर्ड मैं आपको दिखा रही हूँ कि 360 डिग्री स्विवल कॉर्ड है जिससे कि ये काफी इजीली मूव हो जाती है और काफी लंबी कॉर्ड भी है. इसकी बॉडी होती है जिसमें 3 बटन होते हैं. बीच में जो पावर बटन है इसको 1.5 सेकंड तक होल्ड करना होता है जिससे कि स्टार्ट हो जाता है. और यहाँ पर जो जितनी भी अटैचमेंट दी हुई हैं वो अटैच होती हैं. अटैच करने के लिए बस आपको इसको अंदर की तरफ पुश करना है और थोड़ा सा घुमाना है और ये अपने आप सेट हो जाती है. इसके बाद मैंने सबसे पहले ड्राइंग नोजल से अपने बालों को ड्राई करना शुरू कर दिया है. ये आपके गीले बालों को बहुत ही कम समय में सुखा देता है और आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाते हैं और बिल्कुल भी फिजी नहीं लगते हैं. अगली जो अटैचमेंट है ये कॉम्बिंग ब्रश वाली है. ये आपके बालों को जो बचे खुचे बाल हैं जो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं उसको ड्राई कर देगी. साथ ही आपके बालों को ना अच्छा सा कॉम्ब कर देगी, बालों को सुलझा देगी जिससे आपके बाल टूटेंगे नहीं. तो मुझे इनकी ये वाली अटैचमेंट भी बहुत अच्छी लगी कि आपके बाल भी आप अच्छे से कॉम्ब कर लोगे, साथ ही साथ आपके बालों को ये ड्राई भी कर देगी. अगली जो अटैचमेंट है ये स्मूदनिंग ब्रश है. ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब भी आप अपने बालों को सुखाते हो या ड्राई करते हो कुछ भी करते हो तो आपके फ्लाईवेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बालों में बिल्कुल शाइन नहीं दिखता. तो ये आपके बालों को स्लीक बनाता है, बहुत शाइनी बनाता है, साथ ही साथ आपके जो फ्लाईवेज होते हैं उनको काफी हद तक कम कर देता है. तो मुझे इसकी ये वाली अटैचमेंट जब मैं यूज कर रही थी ना तो बहुत अच्छा लग रहा था. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कभी वैसे इसको जनरली भी यूज कर सकती हूँ मेरे अपने नॉर्मल बालों में भी. इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूमाइजिंग जो इनके अटैचमेंट है ये मेरी फेवरेट अटैचमेंट है क्योंकि इससे ना अपने बालों की ना मैं स्टाइलिंग भी कर लेती हूँ. कई बार बहुत अच्छे से स्टाइलिंग में ये काम आता है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी काफी पतले हैं तो बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है इसको यूज करने के बाद. बस आपको इसको अच्छे से यूज करना है. एंड ये कूल टच टिप के साथ आता है जिससे कि आप इसको पकड़ के आराम से यूज कर सकते हो. तो सबसे बेस्ट चीज तो यही है कि इसको आप कूल टच टिप के साथ हो तो अगर आप चाहो तो आप ऊपर से पकड़ के इसको आराम से यूज कर सकते हो.
इसके बाद हम क्राउन सेक्शन के एरिया को भी अच्छे से वॉल्यूम दे सकते हैं, क्योंकि जो बाल होते हैं ना जहाँ पर आप आपकी मांग निकालते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैट होते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि ये आपके ये क्राउन सेक्शन एरिया को भी अच्छा सा बाउंसी लुक दे देता है। अब चलते हैं इसके सबसे ज़्यादा मैजिकल अटैचमेंट पे, जो कि है एयर रैप। ये टू डायरेक्शनल एयर रैप है, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट वाला यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा मैंने अपने हेयर का एक एंड इसको टच कराया और इसने अपने आप घूम के पूरे बालों को अच्छे से रैप कर लिया है। तो आपको बस एंड को टच कराना है, बाकी ये पूरा अपने आप घूम जाता है। इसमें जो एयर होती है ना वो बालों को अपनी तरफ खींचती है, जिससे कि बहुत इजीली आपके बाल जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इसकी हीट ना अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बस आपको एक हल्का सा एंड टच कराना है एंड दैट्स इट। वो अपनी तरफ आपको धीरे धीरे अपने बालों की तरफ लेके जाना है, ये नहीं कि आप उसको टाइट पकड़ के रखो, आपको हल्का रखना है हाथ ताकि वो धीरे धीरे आपके बालों की तरफ खींचता हुआ चला जाए। आप जब एक बार यूज़ करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको इन्वर्ट कर्ल्स चाहिए तो आपको लेफ्ट टू राइट करना है, और आपको आउटवर्ड कर्ल्स चाहिए तो आपको राइट टू लेफ्ट करना है। दोनों अटैचमेंट जो हैं वो दोनों साइड्स की हैं, तो आपको इनवर्ट आउटवर्ड के हिसाब से इनको यूज़ करना है। इसके बाद आप देख सकते हो ये मैं सारे आउटवर्ड कर्ल बना रही हूँ, बिकॉज मुझे आउटवर्ड कर्ल्स ही अच्छे लगते हैं, मेरे फेस पे भी वही सूट करते हैं। अगर मुझे इनवर्ट चाहिए होता तो मैं लेफ्ट का राइट कर देती, राइट का लेफ्ट कर देती, बस इतना ही है। एंड साथ में आपको ये एक हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स भी मिलता है, जिससे कि आप सारे अटैचमेंट्स को बदल सकते हैं। एंड ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आप भी बजट में स्टाइलिंग करना सीख गए होंगे। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाइए चेकआउट करिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास है जिमी चू की बहुत सारी साड़ियाँ। स्टार्ट करते हैं इस येल्लो साड़ी से। हमारे पास एक ये बहुत सुंदर सी येल्लो साड़ी है, ये ना थोड़ा सा उस पैटर्न में है जिस पैटर्न में मेरे पास ग्रीन साड़ी है, लेकिन हल्का सा अंतर है, मैं आपको हल्का सा डिफरेंस बताऊंगी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। इसका ना ब्लाउज भी बहुत सुंदर सा है, पूरा भरा हुआ सा, और स्लीव्स पे भी डिजाइन वगैरह बहुत प्यारी सी है। तो इसका ये पैटर्न है। जिमी चू में ना जितनी भी साड़ियाँ आती हैं सब में अलग अलग मोतियों का काम होता है, बस खाली मोतियों का काम डिफरेंट है। मतलब ये जो वर्क देख रहे हो ना आप, ये हल्का अलग होता है। जैसे इसमें जाल पैटर्न है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। एंड इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा है। आई जस्ट होप कि ये कलर मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि येलो में ना मेरा कलर बहुत डल लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा लगेगा। आप बताओ कैसा लग रहा है, ये कलर मेरे ऊपर सूट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी है जिमी चू की, बहुत ही प्यारी सी। ये मैंने जहाँ से ली है मैं आपको उसका लिंक वगैरह दे दूंगी। पूरा मतलब ना आपके दामन उस पे पैरों के पास ना पूरे में ये डिजाइन आएगा, पूरे में डिजाइन आएगा। ये आप जहाँ प्लीट्स वगैरह बनाओगे ना पूरे में आएगा, एंड आँचल एकदम भरा हुआ सा आएगा। दिस इज द आँचल। बहुत प्यारी सी साड़ी है। मैं आपको ना पहले इसका एक फ्लॉ बता देती हूँ जो मुझे ऐसा महसूस होता है। ये जो साड़ी है जब आप ड्रेप करते हो तो इसकी जो प्लीट्स होती हैं, जो आप यहाँ पे टक करते हो पेट पे, ये ना सही नहीं बैठती हैं। आप उसको आयन करके या किसी कुछ भी करके ना अगर उसको बहुत बैठाने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ी देर तक तो बैठेगी, बिकॉज मैंने हर तरीका ट्राई किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना वो फिर से फूलने लगती है। तो मुझे पर्सनली इसकी जो फ्रंट्स वाली प्लेट होती है ना सामने वाली, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि ये साड़ी इतनी सुंदर होती है, ओवरऑल लुक इतना अच्छा आता है, ब्लाउज इतना अच्छा लगता है, तो उस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा सा जुगाड़ करके, थोड़ा सा आयन करके, स्ट्रेटनिंग करके उसको थोड़ा सा हम दबा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। बट हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, और ये बहुत है भाई, इतनी सरकती है। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ खुले पल्ले में ही अच्छी लगती है। पिन लगा लो और ऐसा खुले पल्ले में ले लो, लुक अच्छा आता है, लेकिन भाई सरकती बहुत है, बहुत सरकती है। एंड ना कई बार स्टफ भी अलग अलग होता है, जैसे इसका स्टफ अलग है। तो जिमी चू साड़ियों के ना जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग टेक्सचर उससे साड़ी के ऊपर बनवाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी डिफरेंस, ये मैंने आपको दिखाया कि ये जाल है पूरा, ठीक है, जाल है और ये बॉर्डर है। ये साड़ी है हमारी ग्रीन साड़ी, इसका बॉर्डर देखो इतना प्यारा सा, और इसका भी जाल ही है, लेकिन जाल में ना ये देखो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये पत्तियां बनी हुई हैं इसमें। जो ये पत्तियों का डिज़ाइन है ना, ये अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसको डबल करके दिखाती हूँ क्योंकि मेरी परछाई दिख रही है। ये जाल का पैटर्न बहुत सुंदर आता है, एंड ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत सुंदर सी साड़ी है, पूरी प्रिटी सी। मैं ना इनकी फ़ोटो वगैरह अटैच कर दूंगी मेरे पहनी हुई, ताकि आपको ना इसका लुक समझ में आ जाए। और इसका ना मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनवाया था, अभी मैंने रिसेंटली इसका वीडियो डाला है, गेस हाँ डाला है। और आप लोग बताना कि मैं अपना समर साड़ी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँ क्या, मेरे पास ना गर्मियों के लिए बहुत अच्छी साड़ियाँ आई हैं।
तो ये मैंने इसका गला बनवाया था ऐसा करके बंद वाला, मुझे ना क्योंकि इसमें डिज़ाइन था एंड मैं उसे कट नहीं करना चाहती, तो मैंने उनको बोला कि जहाँ तक डिज़ाइन है वहाँ से ही मतलब गला काट दो आप, ठीक है। तो ये फुल स्लीव्स का ब्लाउज मैंने बनाया था, ये साड़ी भी बहुत प्यारी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रेड साड़ी जो आपने देखी, ये पहन के मैंने एक शूट किया था और बहुत ही अच्छा शूट किया था। साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ये किसी को चाहिए थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। और क्योंकि ना इनका प्राइस थोड़ा सा देखो ज़्यादा होता है, लेकिन मैं ना इनको बहुत ही कम प्राइस में सेल करती हूँ, तो फिर मैंने वो साड़ी उनको सेल कर दी। लेकिन वो साड़ी भी बहुत सुंदर थी, यहाँ पर मैं लगा दूँगी, रेड कलर की साड़ी और बहुत ही प्यारी रेड कलर की सुंदर सी साड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है ये साड़ी वाइन कलर की, ये मैंने इसका वीडियो आज ही बनाया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही पहन रखा था। इसका ना ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है, ब्लाउज़ अच्छा बना भी है, मतलब मेरे टेलर ने ना अच्छा ब्लाउज़ बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द ब्लाउज़, इस तरीके से है कुछ। इसकी स्लीव्स ना मैंने इस बार इतनी बनवाई है, मैं ना मुझे अच्छा लगता थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में। एंड देखो ये लगाते ही ना देखो चेहरा मेरा थोड़ा सा साफ लगने लगा, आई मीन रंग साफ लगने लगा, क्योंकि ना ये कलर थ्योरी होती है, ये जब मैंने ये साड़ी पहनी ना तब भी मेरा ना रंग बहुत साफ लग रहा था, तो ये होता है कुछ कुछ साड़ियों के साथ। ये साड़ी पूरी ऐसी है, पूरे में ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है एंड ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, दिस इज द बॉर्डर एंड बाकी पूरी साड़ी में ऐसे लाइन लाइन बनी हुई है। बहुत प्यारी साड़ी है ये भी, आप ये साड़ी भी ले सकते हो। मैंने कहा ना इसको आप तह करने में ना ये बहुत फिसलती है, ये हर चीज़ में बहुत फिसलती है, लेकिन ये है कि भाई सुंदर इतनी लगती है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसी की ना ग्रीन साड़ी मैंने पहनी थी भाई, सबसे सुंदर साड़ी थी वो ग्रीन साड़ी जो मैंने पहनी थी, वो मैंने पहनी थी अपनी फ्रेंड की मेहंदी में, और उसका जो ब्लाउज़ था वो इतना सुंदर बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। वो साड़ी मैंने अपनी मेरी भाभी को दे दी, मतलब मेरी भाभी ने बोला कि साड़ी अच्छी लग रही, तो मैंने उनको दे दी। बहुत सुंदर सी साड़ी थी, मैं बस मेहंदी में मैंने पहनी, इतनी प्यारी लग रही थी। ब्लाउज़ उल्टा उसका ना स्टिचिंग के चार्ज उसके काफ़ी ज़्यादा थे ब्लाउज़ के, वो मैंने जिस टेलर से बनवाया था, और वो साड़ी भी बहुत सुंदर थी, उसमें मतलब हैवी वर्क था। तो ये सारे मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है, देखो जिमी चू में भी ना आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सा वर्क लेना चाह रहे हो, तो बहुत सोच समझ के लो अच्छा वर्क। हमारे पास ये, इसका मैं पहले आपको ब्लाउज दिखा दूँ, ये सब अलग है, मैंने जितनी जिमी चू पहनी सब अलग है। इसका गला ऐसा आता है, ये साड़ी कुछ इस तरीके से आती है, इस तरीके से है कुछ ही, और इसकी साड़ी इस तरीके से, ये देखो इसमें ये वाला बॉर्डर कट वर्क वाला बॉर्डर है और बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी पूरे में लाइन लाइन बनी हुई है, लेकिन इसका बॉर्डर कट वर्क का है। अभी तक मैंने जितनी जिमी चू साड़ियाँ दिखाई किसी का भी कट वर्क का बॉर्डर नहीं है, बट ये कट वर्क का बॉर्डर है एंड बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसमें ऑप्शंस बहुत आते हैं, और ये सारी साड़ियाँ ना बहुत सुंदर है, मतलब एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं, एक भी साड़ी ऐसी नहीं जो आपको अच्छी ना लगे। मैं सबकी फोटो वीडियो लगा दूंगी, आप देख लेना आपको कौन सी अच्छी लग रही है, और जो भी अच्छे लगे ना फटाफट ऑर्डर कर देना यार, शादियों का सीज़न है, पता नहीं शादियाँ हैं कि नहीं है हमारे यहाँ, तो अप्रैल में एक बहुत ही अच्छी शादी है, मतलब हम बहुत एक्साइटेड हैं अप्रैल की शादी के लिए। सो मैं तो चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ, आप भी जाइए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदिए, शॉपिंग करिए, और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बताना, अगर आपको ज्वेलरी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको साड़ी या लहंगा, तो मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड नए वीडियोज़ के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। आई जस्ट वांट कि आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले, जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाए और जिसे बना के मेरा दिल खुश हो जाए, तो बस ऐसे कुछ अगर वीडियो आइडिया आपके दिमाग में आता है तो प्लीज सजेस्ट भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।